आ गई जी, इंडिया 3-1, इंडिया 3-1, इंडिया इस मरतबा भी आगे जा रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम हो गया इतने दिनों बाद आप सबको, वर्ल्ड कप मैचेस लगे हुए हैं तो इसलिए कोई ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मैचेस देखने में बड़ा मसरूफ होता है आपका भाई। कल जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो मैंने सोचा अपनी प्रिडिक्शन गेम आज की जाए, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या करने जा रहा हूँ मैं और प्रिडिक्शन किस तरह की होगी। पिछली वाली जिसने प्रिडिक्शन नहीं देखी हुई एशिया कप में जो थी और हुई भी ठीक थी, तो वो जाके पहले देख ले। मेरे पास ये आगे हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 10 आगे और ये गुब्बारे आगे हैं मेरे पास, ये 10 गुब्बारे 10 नंबर, ये आगे है जी वो नंबर 1, 2, 3, 4, ये आप सबको नजर आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, बस आगे पीछे हैं, ठीक है, 10 तक ये नंबर हैं और ये हमारे पास 10 गुब्बारे, ये आगे हैं जी 14 अगस्त वाले सारे गुब्बारे आ गए हैं, ठीक है, इनमें 10 गुब्बारे हैं, 10 हमारे पास पेज हैं और हर गुब्बारे पे भी मैं लिखूंगा अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखूंगा। 10 के बाद हम लिखेंगे 5 में पाकिस्तान का नाम लिखेंगे और 5 में हम लिखेंगे इंडिया का नाम। तो जिसके और पर्चियां ये वाली होंगी बंद, इन्हें ओपन करके ऊपर नीचे करके फिर जिस गुब्बारे पे जिसका नाम लिखा होगा, के नंबर लिखा होगा, वो टीम जो है मैच जीतेगी। जिसके पहले आगे ज्यादा नंबर तो वो जीतेगी मैच। कुछ समझे हैं? नहीं समझे, एक और मरतबा समझाता हूं। ये गुब्बारा है, ये पेज है, अब 8 लिखा हुआ है, इस पे 8 लिखा होगा, ठीक है, 8 अगर हम लिखते हैं और 7 लिखा होगा इंडिया, इंडिया या पाकिस्तान कोई भी लिखा होगा, 5 पे इंडिया का नाम गुब्बारे पे, 5 पाकिस्तान का नाम। तो पर्ची जो निकालेंगे उस नंबर पे जो नंबर होगा इंडिया का होगा या पाकिस्तान का, तो उससे गुब्बारे को साइड पे करते जाएंगे, जिसके पहले निकल गए तो वो टीम मैच जीतेगी कल का, समझ गए ना? तो बस अब शुरू करते हैं इसे। फिर ये आ गए हैं जी गुब्बारे, ठीक है, ये देखें जिस तरह आप ये लिखा हुआ है 3 इंडिया 5 पाकिस्तान 9 इंडिया 2 पाकिस्तान। सो ये नंबर फोल्ड हुए होंगे, फोल्ड जब खोलेंगे तो जो नंबर आएगा उस गुब्बारे को हम साइड पे करते जाएंगे। ये आ गई हैं जी पर्चियां हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाली और ये हमारे गुब्बारे आ गए हैं। तो जी ये आ गई हैं 10 पर्चियां आ गई हैं, ठीक है, अब मैं एक एक करके खोलूंगा, जो आएगा नंबर तो वो उस गुब्बारे को हम साइड पे करते जाएंगे। इसे हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये खोल लेते हैं, ये देखते हैं जी किसका आया है नाम इधर, 3 नंबर जी, 3 नंबर किधर है, इंडिया, 1 इंडिया जी, इंडिया साइड पे हो गया, 1 इंडिया का उधर चला गया, ये भी उधर चला गया। फिर अभी करते हैं जी दूसरी बारी मेरी, आप सबको पता है दूसरी प्रिडिक्शन जो एशिया कप में की थी वो भी ठीक थी, 8 नंबर जी, 8 नंबर किधर है, 8 नंबर 8 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर, 9 नंबर कैदी नंबर, 8 नंबर किधर है, कैदी नंबर, 8 नंबर ही नहीं है, होगा होगा, 2, 5, 6, ये है जी पाकिस्तान, 1 पाकिस्तान 1 इंडिया, 2 गए जी, पीछे 8 पर्चियां और 8 गुब्बारे, तीसरी उठाते हैं, 7 नंबर 7 नंबर जी, 7 पे कौन है, 7 पे इंडिया, 7 इंडिया जी, 2-1 का मुकाबला हो गया, जिसके पहले 5 आगे वो जीतेगा, ठीक है, ये जहन में आपने रखना है 2-1। अब जी हम उठाते हैं एक और, 1 नंबर जी, 1 नंबर किधर, ये आ गई जी इंडिया 3-1 इंडिया 3 पाकिस्तान 1, इंडिया इस मरतबा भी आगे जा रहा है। जे 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 एक और उठाते हैं जी, 9 नंबर जी, 9 नंबर भी इंडिया, 4-1 4 इंडिया पाकिस्तान 1, आखिरी उठाते हैं इंडिया की, अगर आखिरी हो मतलब इंडिया की आ गई तो आखिरी है, नहीं तो पाकिस्तान की आएगी, 5 नंबर जी, 5 नंबर पे कौन है, 5 पे भी इंडिया जी, इंडिया, तो ये मैच बाकी देखने पाकिस्तान के 4 वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, जे इंडिया जो है ना जीत के है,
इंडिया ये मुकाबला मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक इंडिया ये जीत के है। अब देखते हैं कि कल के मैच में क्या होता है। मेरी लास्ट प्रिडिक्शन जो एशिया कप में की थी वो भी बिल्कुल ठीक थी, तो प्रिडिक्शन गेम करना हमने लाजमी है, वो भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक मैं तो कहता हूँ गलती हो, पाकिस्तान जीते, पर अल्लाह जान सही नहीं लग रहे, कल अल्लाह तला करे अच्छे हो और पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह जीतेगा। प्रिडिक्शन गेम है, गलत भी हो सकती है। तो बस चले जी, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ करनी है पाकिस्तान के लिए कि जीते, और हम सब भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी।